हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम यूपीएससी के आईएससी सेट की जनरल स्टडीज़ 2020 की पार्ट टू की क्विज़ लेने वाले हैं। ये क्विज़ 25 क्वेश्चंस के। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, स्टील स्लैग कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टील स्लैग जो मटेरियल है वो किसके लिए उपयोगी है, यानी कि इसके लिए इसका यूज़ होता है। स्टेटमेंट वन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड। स्टेटमेंट सेकंड, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल। थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। पहले स्टेटमेंट में ये कि बेस रोड जो बनाते हैं उसके कंस्ट्रक्शन में। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वो इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर सॉइल के इम्प्रूवमेंट में यूज़ होता है। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वो प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट प्रोडक्शन में उसका यूज़ है। तो हमें एक करेक्ट आंसर चूज़ करना है कौन से स्टेटमेंट से ये है। सही स्टेटमेंट है फोर्थ, मींस फोर्थ ऑप्शन सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों सही है। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, सेकंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल एंड थर्ड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। तीनों में स्टील स्लैग ये जो मटेरियल है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। नीचे दिए गए में से कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे मस्क डियर उनके नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकंड, गंगोत्री नेशनल पार्क। थर्ड, किसानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फोर्थ, मानस नेशनल पार्क। तो जो मस्क डियर है वो उनके नेचुरल हैबिटेट में, ऐसे कौन से नेचुरल हैबिटेट इन सेंचुरीज या फिर पार्क में है जहाँ पे मस्क डियर मिल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, यानी कि सिर्फ अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गंगोत्री नेशनल पार्क, इन दोनों प्लेसेस में ही मस्क डियर पाए जाते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में। यानी कि दो ही यानी कि अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गंगोत्री नेशनल पार्क, यही एक ऐसी जहाँ जगह है जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है मस्क डियर की, यानी कि वो वहाँ का एनवायरनमेंट या फिर सराउंडिंग्स है जो मस्क डियर के लिए नेचुरली अच्छी है। तो मोस्ट लाइकली दो जगह है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गंगोत्री नेशनल पार्क। जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, किसानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस नेशनल पार्क, यहाँ पे वो नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर इंश्योरिंग द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। अगर हम रूरल रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचेंगे तो कोस का यूज़ किया जाता है या फिर प्रेफर करते हैं, जो इंश्योर करता है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट को। फर्स्ट कॉपर स्लैग, सेकंड कोल्ड मिक्स एस्पाल टेक्नोलॉजी। थर्ड जियो टेक्सटाइल्स। फोर्थ हॉट मिक्स एस्पाल टेक्नोलॉजी। फिफ्थ पोर्टलैंड सीमेंट। तो हमें एक करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज़ करना है, जिसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। जो फर्स्ट है कॉपर स्लैग, सेकंड कोल्ड मिक्स एस्पाल टेक्नोलॉजी एंड थर्ड जियो टेक्सटाइल्स, यही प्रीफर किया जाता है रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में, जिसका यूज़ करके हम एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने, दोनों बातें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, कोल ऐश कंटेंस आर्सेनिक लीड एंड मर्क्यूरी। जो कोल ऐश है वो क्या कंटेंस करते हैं, आर्सेनिक करते हैं लीड और मर्क्यूरी। सेकंड, कोल फायर पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। जो कोल फायर पाउडर होते हैं प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्साइड रिलीज करते हैं नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में। हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन द इंडियन कोल। तो ऊपर दिए गए में से कौन से कंटेंट सही है हमें चूज करना है यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, यहाँ पे देख लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, वन टू एंड थ्री, तीनों ही सही है स्टेटमेंट। फर्स्ट, कोल ऐश कंटेंस आर्सेनिक लीड एंड मर्क्यूरी, ये सही है। कोल ऐश में आर्सेनिक होता है, लीड होता है, मर्क्यूरी होता है।
coal fired power plants release sulfur dioxide and oxides of nitrogen into the environment. Third, highest content is observed in Indian coal. Indian coal mein highest content maujood hai. Next. Fifth question, what is the use of biochar in farming? Biochar ka farming kaun sa use hota hai? Sabse pehle statement. Biochar can be used as a part of the growing medium in the vertical farming. Biochar ka use hota hai as a part of the growing medium vertical farming mein. Second statement, when biochar is a part of the growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganism. जब बायोचार ये पार्ट ग्रोइंग मीडियम का पार्ट होता है तो वो प्रोमोट करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को. थर्ड स्टेटमेंट, व्हेन बायोचार इज द पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम, इट इनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम. अगर बायोचार ग्रोइंग मीडियम का पार्ट हो तो वो इट इनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम. ग्रोइंग मीडियम को वाटर रिटेन करने की जो क्षमता है वो बढ़ा देता है ज़्यादा समय के लिए. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है. पहले फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ओनली, सेकंड ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट ओनली, थर्ड ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड स्टेटमेंट ओनली एंड फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड दैट्स मीन ऑल ऑफ द अबो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन. ऑल ऑफ द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. बायोचार ग्रोइंग मीडियम में यूज होता है वर्टिकल फार्मिंग में, फिर ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को प्रमोट करने में, फिर वाटर रिटेन करने की क्षमता को बढ़ाने में भी बायोचार का यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. नीचे देखिए में से भारत में ऐसे कौन कंसिडर किया जाता है जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर में इस कैटेगरी में आता है. फर्स्ट स्टेटमेंट, फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स. सेकंड, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज. थर्ड स्टेटमेंट, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट. फोर्थ, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स. फिफ्थ, वाइवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट्स. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें चूज करना है. फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट ओनली. सेकंड ऑप्शन फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली. थर्ड ऑप्शन सेकंड थर्ड एंड सिक्स स्टेटमेंट ओनली. फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव एंड सिक्स. दैट्स मीन ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, सेकंड थर्ड एंड सिक्स स्टेटमेंट्स ओनली. फर्स्ट स्टेटमेंट, फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, ये जो था स्टेटमेंट वो गलत है. सेकंड स्टेटमेंट, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये सही है. थर्ड स्टेटमेंट, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, ये सही है. और जो सिक्स स्टेटमेंट है, वाइवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट्स. यानी कि जो सिक्स स्टेटमेंट है यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में गलती हो चुकी है. सिक्स स्टेटमेंट ये है कि सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट. और फिफ्थ स्टेटमेंट ये है कि वाइवर ऑफ द एग्रीकल्चर लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम. तो ये फिफ्थ सिक्स स्टेटमेंट था, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट. तो सेटिंग अप ऑफ द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट, ये सिक्स स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ फर्म इन इंडिया. इंपॉर्टेंस क्या है इस टर्म का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, जो फर्म है इंडिया में उसका. फर्स्ट स्टेटमेंट, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ द फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू. सेकंड, इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू. थर्ड, द हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेब्ट. तो ऊपर दिए गए में से स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें चूज करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ओनली, सेकंड ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट ओनली, थर्ड ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स ओनली, फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली. मतलब ऑल ऑफ द थ्री आर करेक्ट. इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली. यानी कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ ए फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू. और थर्ड स्टेटमेंट, द हायर बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द वर्स इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेब्ट. यह फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉलिसीज वेयर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट.
नीचे देखिए में से कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं राइस की प्राइस में प्राइस को इंडिया में रिसेंट पास्ट यानी कि हाल ही फिलहाल में। फर्स्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सेकंड गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग, थर्ड गवर्नमेंट्स स्टॉक पिलिंग, फोर्थ है कंज्यूमर सब्सिडीज। तो हमें करेक्ट यहाँ पे एक आंसर चूज करने हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं राइस की प्राइस को इंडिया में हाल ही फिलहाल में। तो इसका ऑप्शंस जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट स्टॉक पिलिंग, कंज्यूमर सब्सिडीज, ये जो चारों में से हैं वो लगभग यहाँ पे अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चारों के चारों ही अफेक्ट करते हैं और राइस की प्राइस को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी, गवर्नमेंट ट्रेडिंग भी, गवर्नमेंट स्टॉक पिलिंग भी और कंज्यूमर सब्सिडीज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है वो कंसिडर करने हैं। वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, पिछले दशक में इंडो श्रीलंका के जो ट्रेड है वो कंसिस्टेंटली बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं। सेकंड स्टेटमेंट, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जो टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल्स हैं कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम, एक इंपॉर्टेंट आइटम कंस्टिट्यूट करते हैं ट्रेड बिटवीन द इंडियन एंड बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इन द लास्ट 5 ईयर्स नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में पिछले 5 साल में नेपाल सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करने वाला पार्टनर है इंडिया का। तो नीचे दिए गए में से कौन से स्टेटमेंट, ऊपर दिए गए में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये हमें चूज करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ओनली, सेकंड ऑप्शन सेकंड ओनली, थर्ड ऑप्शन थर्ड ओनली, फोर्थ ऑप्शन, बोथ ऑल ऑफ द 3 आर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसका सही आंसर है फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि सबसे पहले जो पहले दो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स ओनली आर द करेक्ट, वाइल द थर्ड इज इनकरेक्ट। वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, पिछले दशक में जो इंडो श्रीलंका ट्रेड है वो कंसिस्टेंटली बढ़े, ये सही स्टेटमेंट है। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच की जो ट्रेड है उसकी इंपॉर्टेंट आइटम है टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल्स, ये भी स्टेटमेंट है। जो लास्ट यानी कि थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इन द लास्ट 5 ईयर्स नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20, नीचे देखिए में से कौन से 4 देश हैं जो G20 के मेंबर्स हैं, जो 4 कंट्रीज हैं चारों के चारों G20 के मेंबर्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की। सेकंड ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड। थर्ड ऑप्शन ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड वियतनाम। फोर्थ ऑप्शन इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट, अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की, ये चारों कंट्रीज़ G20 के मेंबर्स है। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे चारों गलत हैं, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ भी गलत है। जो फर्स्ट है अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की, ये G20 की मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट जो सपोर्ट है वो फार्मर्स को दिया जाता है किस पर्पस से। फर्स्ट स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट्स हार्वेस्टर्स, सेकंड परचेस ऑफ कंबाइंड ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म, थर्ड कंजम्पशन हाउसहोल्ड्स, फोर्थ पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, फिफ्थ कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। ये 5 स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमें चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट्स ओनली, सेकंड ऑप्शन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ओनली, थर्ड ऑप्शन सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट्स ओनली, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द 5 आर द करेक्ट। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वर्टिकल कैपिटल वर्किंग कैपिटल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट्स हार्वेस्टर्स, थर्ड स्टेटमेंट कंजप्शन हाउसहोल्ड्स, फोर्थ स्टेटमेंट पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, ये जो 3 स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हैं।
बाकी के जो दो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट एंड फिफ्थ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करना है। द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इज हायर देन इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो वेटेज होता है फूड का इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, ये हायर होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI से। द WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज। जो WPI है वो कैप्चर नहीं करते चेंजेस को प्राइस ऑफ सर्विसेज में, जो कि CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ एडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने अडॉप्ट किया है WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का एज ए की मेजर उन्होंने अडॉप्ट किया है, एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट्स, और उन्होंने डिसाइड किया है कि की पॉलिसी रेट्स को चेंज करने की। तो इन तीनों स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो इसका सही ऑप्शन, इसके सही स्टेटमेंट है ऑप्शन 1 यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इज हायर देन इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स, और जो सेकंड स्टेटमेंट है WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज। ये दो स्टेटमेंट्स सही हैं और जो थर्ड स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट है द वेटेज ऑफ द फूड इज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इज हायर देन इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। सेकंड द WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज। ये दो स्टेटमेंट सही हैं। और जो थर्ड स्टेटमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ एडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट्स, ये गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिवर इंटू असेस फ्लोज इंटू। फर्स्ट पेयर मिकोंग अंदमानसी, सेकंड थेमस आयरिसी, थर्ड ओल्गा कैस्पियन सी, फोर्थ झाम्बेजी इंडियन ओशन। तो हमें इनमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है, कौन सी करेक्टली मैच है हमें ढूंढने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ पेयर ओनली। तो थर्ड पेयर है वोल्गा कैस्पियन सी, फोर्थ झाम्बेजी इंडियन ओशन, ये दोनों सही पेयर्स है। और फर्स्ट और सेकंड जो पेयर है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट होने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट कि रिवर इंटू वर्सेस फ्लोज इंटू, ये समझना ज़रूरी है। रिवर इंटू यानी कि जो रिवर फ्लो होके चले जाते हैं वहाँ वो। नेक्स्ट यानी कि कहाँ पे ओशन और सी में वो फ्लो हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स पल्सेस एंड ऑयल सीड्स द प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेकंड इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी एट ए लेवल ऑफ विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। तो कौन से स्टेटमेंट सही है ये हमें चूज करना है। तो सही दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन फोर्थ नॉर वन और टू, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो था इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स पल्सेस एंड ऑल सीरीज द प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, गलत है। और जो सेकंड ऑप्शन है इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एट ए लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन इकोनॉमी को कंसीडर करके नीचे के स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट है हमें फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। सेकंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए लॉन्ग टर्म ऑफ इंडिया टू ए कॉरपोरेशन। थर्ड कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस। फोर्थ
zero coupon bonds are the interest bearing short term bonds issued by the scheduled commercial banks to corporation. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें चूज करना है. फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ओनली. सेकंड ऑप्शन, फोर्थ स्टेटमेंट ओनली. थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स ओनली. और फोर्थ ऑप्शन, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ओनली. तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड स्टेटमेंट्स ओनली. द फर्स्ट स्टेटमेंट है कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट, ये सही है. और कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस, ये दो सही है. और जो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. विथ रेफरेंस टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक. अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की रेफरेंस ले भारत में, तो इनमें से कौन सा या कंसिडर किया जाता है मेजर कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियली इन ए लिस्टेड कंपनी. सेकंड, इट इज़ लार्जली नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो. थर्ड, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेब्ट सर्विसिंग. फोर्थ, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो इसका सही आंसर यहाँ पे हमें ढूंढना है. तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, इट इज़ लार्जली नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो. तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस को लेकर इंडिया में इट इज़ लार्जली नॉट डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड को भारत में रेफरेंस लें प्रेजेंट स्टेट प्रेजेंट टाइम में, तो नीचे दिए में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट, India's merchandise exports are less than its merchandise imports. Second, India's imports of iron and steel, chemicals, fertilizers and machinery have decreased in recent years. Third, India's exports of services are more than its imports of services. Fourth, India suffers from an overall trade current account deficit. तो इनमें से सही आंसर स्टेटमेंट कौन से हमें चूज करने हैं. फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट ओनली. सेकंड ऑप्शन, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओनली. थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट इज ओनली विच इज़ करेक्ट. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट ओनली. तो इसका सही आंसर है फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस दैन इट्स मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स. थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट, इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर मोर दैन इट्स इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. एंड फोर्थ, इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ऑल और ट्रेड करंट अकाउंट डिफिसिट. तो फोर्थ ऑप्शन सही है. और जो सेकंड स्टेटमेंट था, इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी हैव डिक्रीज इन रिसेंट ईयर्स, ये गलत है, इंक्रीज हुआ है इन सभी प्रोडक्ट्स का, यानी कि चीज़ों का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज रेफर्स टू ए ग्रेड ऑफ. जो टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये जो समटाइम्स यहाँ पे हमें न्यूज़ में दिखाई देता है, वो किसको रेफर करता है. टू ए ग्रेड ऑफ, फर्स्ट क्रूड ऑयल, सेकंड बुलियन, थर्ड रेयर अर्थ मेटल्स एंड फोर्थ इज यूरेनियम. तो किसको रेफर करता है, तो वो क्रूड ऑयल को रेफर करता है. एक्चुअली द वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये जो शब्द हम, ये जो टर्म हम न्यूज़ में हाल फिलहाल अक्सर देखते हैं, तो वो किसको रेफर, किसके ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है, तो क्रूड ऑयल के ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेब्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग. अगर हम इंडियन इकोनॉमी को के नॉन फाइनेंशियल डेब्ट को इंक्लूड करें, तो नीचे दिए में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. हाउसिंग लोन्स ओन बाय हाउस होल्ड्स. सेकंड, अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स. थर्ड, ट्रेजरी बिल्स. फर्स्ट, हाउसिंग लोन्स ओन बाय हाउस होल्ड्स. सेकंड, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड. और थर्ड, ट्रेजरी बिल्स. तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ द थ्री आर द करेक्ट. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेब्ट इंक्लूड्स जो करते हैं, वो तीनों करते हैं, हाउसिंग लोन्स ओन बाय हाउस होल्ड्स, सेकंड अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, थर्ड ट्रेजरी बिल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA
सेफगार्ड्स वाइल अदर्स आर नॉट। भारत में कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो IAEA सेफगार्ड्स के अंदर रखे जाते हैं जबकि बाकी के नहीं रखे जाते हैं। वाई क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट सम इज यूरेनियम एंड अदर यूज थोरियम। सेकंड सम इज इम्पोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाइज। थर्ड सम आर ऑपरेटेड बाय द फॉरेन इंटरप्राइजेस एंड अदर्स आर ऑपरेटेड बाय द डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस। फोर्थ सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर्स आर प्राइवेटली ओन्ड। तो इसका सही आंसर है सेकंड सम इज इम्पोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाइज। इसलिए सब न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड्स जबकि बाकी के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 विथ रेफरेंस टू द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स TRIMS विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर हम ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर को रेफरेंस में लेते हैं तो नीचे दिए में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट्स बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। सेकंड दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू द ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट्स क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड ये एक सही है और थर्ड दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये दोनों सही है। और जो सेकंड ऑप्शन है सेकंड स्टेटमेंट है दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू द ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इफ द RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू। अगर RBI डिसाइड करते हैं कि एक एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करें तो नीचे दिए में से कौन सी है जो उसे नहीं करने देगी। फर्स्ट कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। थर्ड कट द बैंक रेट एंड रिपोस्ट रेट। तो इसमें से हमें इस करेक्ट यहाँ पे आंसर सिलेक्ट करना है तो इसका सही है सेकंड सेकंड ओनली इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो अगर RBI डिसाइड करे कि एक अडॉप्ट करना है एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी तो क्या नहीं कर सकती है? तो वो क्या नहीं कर सकती इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वो इंक्रीज नहीं कर सकती लेकिन कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कर सकती है और कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कर सकती है। और सेकंड जो ऑप्शन में है इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट वो नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमी लिबरेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर हम इंडियन इकोनॉमी को रेफरेंस में ले 1991 जो भी इकोनॉमिक लिबरेशन लिबरलाइजेशन हुआ है तो उसमें क्या कंसीडर वर्कर प्रोडक्टिविटी रुपीस पर वर्कर एट 2004-05 प्राइजेस इंक्रीज इन अर्बन एरियाज वाइल डिक्रीज इन रूरल एरियाज। जो वर्कर प्रोडक्टिविटी थी रुपीस पर वर्क एट 204-05 प्राइजेस जो वर्क प्रोडक्टिविटी है कि 200 रुपये वहाँ पे तब थे तो जो अर्बन एरियाज में इंक्रीज हुई यानी कि अगर 200 रुपये 2004-05 में अगर थे तो अब कितने होगी वहाँ पे अर्बन एरियाज में 300-400 लेकिन रूरल एरियाज में कमी हो चुकी है यहाँ पे 150-100। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्क फोर्स स्टेडीली इंक्रीज। जो परसेंटेज है शेयर जो रूरल एरियाज के इन द वर्क फोर्स स्टेडीली इंक्रीज हो रहे हैं स्टेडीली इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फॉर्म इकोनॉमी इंक्रीज। जो नॉन फॉर्म इकोनॉमी है यानी कि जो बाकी के बिजनेसेस हैं एग्रीकल्चर के अलावा वो इंक्रीज हो चुके हैं रूरल एरियाज में। फोर्थ द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। जो ग्रोथ रेट थी रूरल एम्प्लॉयमेंट में मतलब जो गाँव कड़ के गाँव के आसपास के इलाके हैं वहाँ के जो ग्रोथ रेट था एम्प्लॉयमेंट का वो डिक्रीज हो चुका है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमें ढूंढने तो थर्ड एंड फोर्थ आर द करेक्ट सो द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इन रूरल एरिया द ग्रोथ इन नॉन फॉर्म इकोनॉमी इंक्रीज और फोर्थ है द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। जो नॉन फॉर्म यानी कि बाकी के बिजनेसेस एग्रीकल्चर के अलावा बढ़ने शुरू हो चुके हैं
और जो जो ग्रोथ रेट था रूरल एम्प्लॉयमेंट का, जो गांव के इलाके के आसपास जो भी एम्प्लॉयमेंट थी वो कम हो चुकी है, और जो से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट थे वो गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉरपोरेटिव बैंक्स DCCBS डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपेरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। सेकंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ DCCBS इज टू प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। इन दो स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट है ये हमें फाइंड करना है, तो इसका सही आंसर है सेकंड। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और सेकंड ऑप्शन जो सेकंड ओनली है वो भी, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ DCCBS इज टू प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। जो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉरपोरेटिव बैंक्स डिलीवर्स मोर क्रेडिट इन कंपेरिजन टू द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन इंडिया अंडर साइकिल इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर। सेकंड, कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसप्रिंट विलफुली डैमेजेस इट इफ प्रूव्ड सो। कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन। फोर्थ, कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है अगर हम अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स को भारत में अगर कंसिडर करें तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स ओनली आर करेक्ट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर, ये सही है। जो थर्ड स्टेटमेंट है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सट्रॉशन, ये भी सही है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है, कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसप्रिंट विलफुली डैमेजेस इट इफ प्रूव्ड सो, ये गलत है। इसी तरह से हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए पार्ट टू के UPSC IAS CSAT 2020 प्रीलिम्स, तो जनरल स्टडीज़ की 2020 की। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी निकालेंगे। होप सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबको शिक्षा, और इसी तरह से मोटिवेटेड रहिए पढ़ाई के लिए, हमेशा तैयार रखिए अपने आप को। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा मेंटेन रखिए। थैंक यू वेरी मच।